हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रही थी आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस दो तीन दिन से थोड़ी बीमार हूँ और डिप्रेस्ड हूँ, जो कि सच है। और मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी इस चीज़ को इशू लिया जा रहा है। मेरी पिक्चर्स यूज़ की जा रही हैं और बोला जा रहा है जी को भी पेड प्रमोशन करती है। तो मुझे वीडियो बनानी नहीं थी इस चीज़ पर, बट ना मेरे अंदर हिम्मत हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ये चीज़ें फेस नहीं की। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फ्रंट ऑफ आकर किसी के साथ लड़ सकूँ या किसी को जवाब दे सकूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। तो बहुत मेरे खिलाफ़ किसी ने वीडियोज़ बनाई, ठीक है, और बोला गया जी ये गलत है, ऐसे है, वैसे है। तो ठीक है, हाँ, आई एक्सेप्ट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ पेड प्रमोशन की है मैंने, बट मैंने कभी यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं करा, ठीक है। कभी किसी के साथ जो है ना मैंने गलत नहीं करा। और अगर पेड प्रमोशन की है, कुछ भी है, तो किसी ने अगर बोला है, कोई अगर हमें आकर मैसेज कर रहा है, बोल रहा है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हक का की है, किसी का हक नहीं मारा मैंने। और अगर कोई इंसान मजबूर है, किसी के पास नहीं है, वो मुझे बंदा बोल रहा है कि यार हमारे घर के इतने हालात नहीं है, हम नहीं कर सकते ये वो, मैंने उसे फ्री में भी की है, ठीक है। मैं इस चीज़ की, आप लोग को एक एक बंदे को, कोई आपके पास खड़ा तो नहीं उनको लागे कर सकती ना कोई, मतलब क्या चीज़ क्लियर करूँ इस चीज़ में। और कल मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत डिप्रेस थी मैं कल, लिटरली बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और जब से मैंने इनफैक्ट मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा है, मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ इस चीज़ में, मेरा माइंड बहुत बिज़ी रहता है इस चीज़ में, मैं काफ़ी टेंशन से रिलीव हो जाती हूँ, डिप्रेस हट जाता है मेरा जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा अपना, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ यहाँ पर आकर। मुझे हर टाइम ये लग रहा था नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ न्यू करना है अपने, जब यूट्यूब वालों के साथ ये चीज़ शेयर करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा क्या करूँ जिससे मतलब लोगों को मतलब मेरी वीडियो पसंद आए। लास्ट डेज में काफ़ी व्यूज़ कम होने लगे थे, बहुत परेशान थी। तो मतलब फिर गोपाल भी लोगों से मैंने शेयर किया, उन्होंने मुझे मतलब यही बोला, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से शेयर किया, उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली, मम्मी कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो। मतलब मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ना, हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा हमेशा जो लोग, मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है, जो लोग हमेशा सच्चे होते हैं, सही होते हैं ना, उंगली उन्हीं पर उठाई जाती है, गलत उनको ही बोला जाता है, उनको ही जो है ना जूते मारे जाते हैं कि जी ये लोग ही गलत है और ये लोग ही गलत है, ठीक है। आई एक्सेप्ट, और मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हुए, जी लोग तो अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, क्रिश्चियन को करते हैं, हिंदुओं को करते हैं। यार मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बींग अ क्रिश्चियन मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करती हूँ, स्पेशली मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, ठीक है, खाना बना रही होती हूँ, मेकअप कर रही होती हूँ, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह का वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं मुस्लिम्स में उठी बैठी हूँ, खाया पिया है, रोज़े रखे उनके साथ, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉब ये वो हर जगह मुस्लिम के साथ उठी बैठी हूँ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और थैंक्स टू गॉड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो मुस्लिम हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे रात से भी काफ़ी मतलब मेरी जो यूट्यूब की फ्रेंड्स हैं वो मुझसे जुड़ी हुई थी, मैसेजेस कर रही थी, मुझे बहुत उन्होंने समझाया, मोटिवेट किया कि नहीं पोमी हमें पता आप गलत नहीं हो और ये कोई चीज़ बुरी नहीं है। मैं इस चीज़ को मानती कि बुरी नहीं है यार, पेड प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई करता है, हर यूट्यूबर करता है, कहीं से भी आप पता कर लो, किसी पूछ लो, हर यूट्यूबर करता है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, छोटे से छोटा यूट्यूबर, हर कोई पेड प्रमोशन कर रहा है, हर टिकटॉकर पेड प्रमोशन कर रहा है, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी कोई इंसान थोड़ा फेमस है वो पेड प्रमोशन करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये गलत तब होगा कि मैं किसी का हक मारूं और जो है ना मैं उसका काम नहीं सही करूं, पैसे खा लूं, और जो है ना पेड़ प्रमोशन से जो है ना मैंने से सारी ज़िंदगी यही नहीं किया, ये मेरी माँ ने यही करके मुझे नहीं खिलाया, मेरी माँ ने, शुक्र है अल्लाह का, मेरी माँ ने मुझे हक हलाल का खिलाया और मैं भी हक हलाल के ही खा रही हूँ, और मुझे पता है कि मुझे भी हक हलाल से ही काम करना है, ठीक है। तो मैंने, अगर मुझे कोई इंसान ये चीज़ बोलता है कि यार हम नहीं अफोर्डेबल, हम नहीं कर दे सकते आपको इतने पैसे जो है ना, हम इतने कम पैसों में कर लो, मैंने 500 में, 1000 में भी मैंने किए हैं, मैंने फ्री में भी किए हैं, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो AKM किचन वालों ने, जिनका ये स्काफ मैंने वेयर किया हुआ, उन्होंने मेरे लिए भेजा था स्पेशली, तो उनसे मतलब कुछ ऐसी पैसों वैसों की बात नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, तो बस उन्होंने डायरेक्टली चीज़ें वीज़ें भेजी, अपने चैनल का बोला, मैंने उनके चैनल का बोला, गोपाल भाई लोगों ने उन्होंने चीज़ें वगैरह भेजी थी, गिफ्ट भेजे थे, तो उन्होंने चैनल का बोला, जिसमें लिंक डालने का बोला,
ने डाला, बोला उनका, और उन्होंने मुझे रात को मैसेज किया कि मम्मी ऐसे ऐसे मैसेजेस यार, मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, तो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं यार, तो हमें पता आप लोग गलत नहीं हो, आप लोगों ने हमसे तो कोई पैसों की डिमांड नहीं की, कुछ नहीं, हर जगह पैसों की डिमांड नहीं की जाती यार, बाज़ दफ़ा हमें दुआएं भी कमानी होती हैं, लोगों की हेल्प भी करनी होती है जो कि हमारे बुरे वक्त में हमारे आगे आती है, हमारे काम आती है। मैं किसी को कोई बुरा नहीं बोलूँगी, किसी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई थी और मुझे ये सब कुछ लड़ना नहीं आता। मैं सीरियसली बोल रही, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आकर किसी से लड़ूं, जवाब दूं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती, मेरे अंदर तेज़ी नहीं है। अगर मेरे अंदर तेज़ी होती पता नहीं मैं आज कहाँ से कहाँ होती। मैं सिर्फ यूट्यूब पर इसलिए आई थी, मेरा सिर्फ ये मकसद था क्योंकि मैं अपना सैलून खोलना चाहती थी, और मैंने काफ़ी सेविंग की भी है, मैंने काफ़ी सेविंग की भी है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपना सैलून भी खोलूँगी और मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। मुझे किसी से यहाँ पर कोई लालच नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने आई हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं कल बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा, कि मेरे खिलाफ़ इस तरह की बात हुई, मुझे पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे, बहुत बर्दाश्त किया मैंने, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है ना, मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वीडियो बनाऊँ, मैंने बहुत बहुत कोशिश करके वीडियो बनाई है, बहुत बनाई है, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद लोग क्या कमेंट करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमेशा गोपाल भाई, सोनिया मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, और कल भी उन्होंने मेरे मेरे लिए ही वीडियो बनाई थी, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा कि भाई आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा लोगों को अपने जवाब दिए, मैं नहीं दे पाती आप लोगों को जवाब दिए, उन्होंने मुझे हमेशा यही समझाया कि मम्मी नहीं, स्ट्रांग बनो, दुनिया से लड़ो, आगे बढ़ो। और अभी तो पता नहीं लाइफ में मैंने क्या क्या देखना है, क्योंकि माँ बाप के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, दुनिया जीने नहीं देती आप लोग को, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं और आपका दिल दुखाते हैं और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, कि मुझे खुद को बहुत तकलीफ मिली है, तो मुझे पता है किसी को हर्ट करना, किसी के बारे में सबसे गलत बोलना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, और अभी भी स्टिल हूँ, और ना मेरा कुछ खाने पीने को दिल करा रहा, कुछ कुछ भी करने को दिल नहीं करा, बस वैसे भी सारा दिन मैं सिर्फ अपने रूम में ही होती हूँ, मुझे किसी से ना कुछ लेना देना है, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ करती हूँ ना कुछ, बस जो भी था बस यही बातें थी यार, कि लोगों ने इस तरह से बोला तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, मैं नहीं चाहती थी, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट पता नहीं कैसे मैं हिम्मत कर कर मैंने वीडियो बनाई, और बाकी मुझे नहीं पता क्या कमेंट करेंगे लोग, क्या नहीं अभी करेंगे, मैं कुछ भी नहीं जानती। बस इतना ही बोलूँगी कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, और मैंने किसी के कोई पैसे नहीं खाए। लोग जो इस तरह से इश्यूज़ बना रहे हैं कि जी मोबी ने पेड प्रमोशन की, ऐसे किया वैसे किया, बहुत से लोग का फ्री में भी काम करा है और बहुत से लोगों की हेल्प भी करी है, वो लोग आपको खुद आकर बताएंगे। और ऑनलाइन फैशन वर्ल्ड वालों का मैंने बहुत बार प्रमोशन किया, आप उनसे भी जाकर पूछ सकती है, उनसे भी जाकर आप पूछ लो कि मैंने कितने को उनसे पैसे लिए, कितने को उनसे पैसों की बात करी है, आज तक नहीं की, और हमेशा मैंने सबका अच्छा चाहा है, और इसके बदले खुदा इंशाल्लाह मुझे भी अच्छा अच्छा मेरे लिए करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, और अगर मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ हर्ट हुआ है, कुछ मतलब कुछ भी है, तो उसके लिए माजरा चाहती हूँ यार। तो बस मैं ये सिर्फ चीज़ें क्लियर करना चाहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ गलत, बस, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि इस तरह से वीडियोस बनाई जा रही थी, मेरे खिलाफ बोला जा रहा था, तो जो था बस मैंने ये चीज़ आपसे क्लियर कर दी है, और बस यार आप मुझे लाजी बताइएगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ, बस मैं जितना बोलना चाहती थी मैंने बोल दी है, और कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं आ सकूँ आप लोगों के बीच और वीडियोस बना सकूँ, और खुदा मुझे हिम्मत दे दोबारा आप लोगों के बीच आने की। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।